Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. This is Imran Umayman. Welcome back with another video of Gulberg Greens Islamabad. आज की इस वीडियो में मैं Gulberg Greens Islamabad के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा. Basically, Gulberg Greens is a society by IBECHS, that is Intelligence Bureau Employees Cooperative Housing Society, कहा जाता है Gulberg Greens को. और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो जियोग्राफिकली ये सोसाइटी जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन थ्री मेजर सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और रावत. अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ब्लूरी इस्लामाबाद जो कि सेंटर है इस्लामाबाद का, वहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे वाक़ है. उसके बाद आपका जो सदर रावलपिंडी है वहाँ से भी आप इजीली 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं. और रावत टी चौक जो है वहाँ से भी ये 20 मिनट्स की ड्राइव पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के तहत आप इधर आ सकते हैं. और अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जी गवर्नमेंट ने जो बजट है वो अप्रूव कर दिया है और ये रोड जो है टी चौक तक एक्सपेंड कर रही है. आप जैसे ही गुलबर्ग ग्रीन्स में एंटर होते हैं तो ये बेसिकली फार्म हाउसेस की स्कीम है. स्टार्टिंग में जो 7 किलोमीटर तक फार्म हाउसेस दिए गए हैं. अब नाम से भी जाहिर है गुलबर्ग ग्रीन्स जो है कंप्राइज ऑफ 4, 5 and 10 कैनाल फार्म हाउस प्लॉट्स. इसमें जो सबसे पहला ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है. एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में गुलबर्ग ग्रीन्स जो सोसाइटी है उन्होंने प्लानिंग के तहत 4 और 5 कैनाल के फार्म हाउस दिए हैं. उसके बाद जो कमर्शियल है उसको सिविक सेंटर कहा जाता है. सिविक सेंटर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं और डिफरेंट आईटी कंपनीज जो हैं जिस तरह के टेरा डाटा जो है वो इस कमर्शियल में आ भी चुकी है और ऑपरेशनल है. एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद से जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पे सबसे पहला ब्लॉक है. उसके बाद जो है आगे जो है आपका कायदे आज़म ब्रिज से आप एंटर होते हैं गुलबर्ग में. और डिफरेंट मज़ीद जो ब्लॉक्स हैं उनमें ए बी सी डी और ई ब्लॉक आते हैं. और सोसाइटी ने जो है मेन पे जो है कमर्शियल दिया है. उसके बाद हर ब्लॉक में कमर्शियल दिए हैं. पहले एग्जीक्यूटिव सिविक सेंटर, उसके बाद जो है आपका बी ब्लॉक है उसमें बिजनेस पार्क रखा गया है जो कि अभी आप अपनी फुटेज इसमें देख रहे हैं. इसमें भी जो है डिफरेंट ऑन ग्राउंड जो है प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट बैंक्स आ चुके हैं जैसे कि अलाइट बैंक है, UBL है. और ब्रांड्स में अगर आप बात की जाए तो कॉफी पैनेट जो है इज ऑपरेशन. जो गुलबर्ग का अपना हेड ऑफिस है वो भी इसी कमर्शियल में आ रहा है बिजनेस पार्क में. और बहुत ही वास्ट किस्म की पार्किंग दी गई है ना कमर्शियल के अंदर. बी ब्लॉक के बिजनेस पार्क के बाद आप जो है गुलबर्ग में मजीद अंदर एंटर होते हैं तो आपका जो है गुलबर्ग एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है. एक्सप्रेस वे पे ब्लू एरिया के तहत रिविजन के तहत जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं 8-8 किनाल के, जिनमें सारे फहरस्त समामा है आपका, समामा स्टार है, समामा गुलबर्ग है, गुलबर्ग मॉल है, दैट इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट दैट इज़ इन प्रोसेस. ठीक है, डेवलपमेंट चल रही है उसकी. उसके बाद स्काई पार्क वन है. स्काई पार्क वन के अलावा शंघाई हाइट्स है और लक्सस वन है, लक्सस टू है. तो ये दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जो कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में बन रहे हैं और ये बी ब्लॉक के कमर्शियल में आते हैं. इसके बाद अगर बात की जाए बड़ी बड़ी कंपनीज की तो टेलीनॉर ने भी अपना हेडक्वार्टर गुलबर्ग ग्रीन्स में ही बनाया है जो कि बी ब्लॉक में आ रहा है जो कि तकरीबन 200 कैनाल पे मौजूद है. इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लॉक में किस साइज़ के जी प्लॉट्स दिए गए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें आ रही हैं. सोसाइटी ने ए ब्लॉक के अंदर 10 कैनाल, उसके बाद जी 5 कैनाल और 4 कैनाल के फार्म हाउसेज दिए हैं. डेवलपमेंट की बात की जाए तो ए ब्लॉक जो है इट इज़ कम्प्लीटली डेवलप ब्लॉक और इसमें यू कैन स्टार्ट योर फार्म हाउस. ठीक है, आज ही आप प्लॉट लेके इस पर बना सकते हैं. अगर 4 कैनाल की बात की जाए तो तकरीबन 8 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान प्राइसेस हैं. 5 कैनाल जो हैं वो तकरीबन आपका 10 से 12 करोड़ के दरमियान लाए कर रहा है. और अगर 10 कैनाल की बात की जाए तो वो तकरीबन 18 करोड़ से शुरू होकर 22 करोड़ तक उसकी प्राइसेस हैं. अभी जो आप फुटेजेस देख रहे हैं वो वही जो कमर्शियल मेन आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड है. उसके बाद उसके पीछे ये 10-10 कैनाल के फार्म हाउसेस रखे हैं सोसाइटी ने जो कि तकरीबन डेवलप हैं. और उसके पीछे 5 कैनाल हैं और फिर उसके पीछे जो है आपका 4 कैनाल के प्लॉट्स हैं. उसके बाद जी आपका बी ब्लॉक आता है. बी ब्लॉक में जो है टेलीनॉर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है और ये फार्म हाउस जो आप देख रहे हैं ये आईपी का अपना फार्म हाउस है जो मॉडल फार्म हाउस के तौर पर दिखाया जाता है नॉर्मली. बी ब्लॉक में भी जो है जस्ट लाइक ए जो है इन्होंने फ्रंट पे जो है प्लानिंग के तहत 10 कैनाल के फार्म हाउसेज रखे हैं, फिर 5 कैनाल और फिर 4 कैनाल.
इसके बाद जी आगे हम जाते हैं तो दोबारा से इस्लामाबाद गुलबर्ग एक्सप्रेस वे आती है, इसमें भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड है, जिस तरह गुलबर्ग अरीना है, गुलबर्ग हाइट्स है, प्लाजो है, उसके बाद डायमंड है, और उसके बाद जो आपका राउंड अबाउट आता है उस पर जो है सोसाइटी ने प्लानिंग के तहत मेगा मॉल्स रखे हैं, उसके बाद फाइव स्टार होटल दिया है, और गुलबर्ग क्लब भी जो है वो आपका इधर ही आ रहा है। ए और बी के पास जो फुली डेवलप ब्लॉक है वो आपका चाली है, और सी ब्लॉक इज़ द मोस्ट हाइटेड एंड द एक्सपेंसिव ब्लॉक इन गुलबर्ग ग्रीन्स। आप सोच रहे होंगे जी इसकी एक्सपेंसिव होने की क्या वजूहत है, तो मैं बताता चलूँ कि जी गुलबर्ग ग्रीन्स में जो ब्लॉक सी है ये कम्प्लीटली डेवलप है, और जो फीचर्स हैं इसके वो अगर उसमें हम बात करें सारे पहले से, एक तो इसका कमर्शियल है, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल इन गुलबर्ग ग्रीन्स, जो कि कहलाता है जी बिजनेस स्क्वायर। उसके बाद गुलबर्ग ने जो है इसमें एक लेक भी दी है इस ब्लॉक में, लेक के अलावा आपका जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम किसी भी सोसाइटी में पाकिस्तान में वो यहाँ पर आ रहा है, और जो गोल्फ कोर्स है 12 होल वो भी इसी ब्लॉक में है, जिसकी वजह से ये सबसे महंगा ब्लॉक है, और मैं खुद पर्सनली भी ब्लॉग को बहुत पसंद करता हूँ, इस कमर्शियल को भी खास तौर पे। अच्छा जी जो वन ऑफ द रेनोन ब्रांड जिस तरह की चाय खाना जो है वो भी इसमें ऑपरेशनल है तकरीबन। चार्ली के बाद मजीद हम आगे जाते हैं तो डी ब्लॉक, डी फॉर डेल्टा और इको आदर है। पहले जी डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक जो है वो उसकी डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए तो जी इट्स अ सेमी डिवेलप ब्लॉक, ठीक है, इसमें यानी पार्शली डिवेलप भी यू कैन से कि जी कुछ जो एरिया है वो डिवेलप है, ठीक है, और बाकी जो कुछ एरिया वो नॉन डेवलप है और कुछ जो है सेमी डेवलप है। तो द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट, तो दे कैन गो फॉर द डेल्टा ब्लॉक एंड इको ब्लॉक, ठीक है, जो आज से 2 या 3 या 4 साल बाद प्लान कर रहे हैं फार्म हाउस के हवाले से अपने, तो यहाँ पे उनको अच्छी प्राइसेस में फार्म हाउस मिल जाते हैं, 4 कैनाल के 5 कैनाल के और 10 कैनाल के। एज़ पर द प्लानिंग शुरू में 10 कैनाल के फार्म हाउसेज रखे गए हैं, फिर 5 कैनाल के और उसके बाद 4 कैनाल के, और मेन पे जो है वो कमर्शियल रखा गया है, और अगर मेन से बात की जाए तो तकरीबन हार्डली 5 किलोमीटर से ही इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ये ब्लॉक, और होपफुली 4 से 5 सालों में ये फुली डिवेलप हो जाएगा, और पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हुई है इस ब्लॉक में भी, तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस ब्लॉक, और रेट्स भी मुनासिब हैं। और डी के साथ ही जो है आपका जो है ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक जो है वो भी पार्शियली डेवलप है, और इसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर है, और 100% जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कि जी करीब 3 से 4 साल में घर बनाना है तो दिस ब्लॉक इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम। इसमें सोसाइटी ने वही शुरू में जो है 10 कैनाल के फार्म हाउस रखी, उसके बाद जो है जी आपका 5 कैनाल का, और उसके पीछे जो है आपका जी 4 कैनाल का। इस इन दो ब्लॉक्स की जो फीचर्स की बात की जाए तो इनके एडजेसेंट जो है आपका केवी रखा गया, केवी स्टैंड्स फॉर नॉलेज विलेज, और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी जरिए, और जो हॉस्पिटल है वो भी इसकी सराउंडिंग में आ रहा है। तो कल को अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक कम्युनिटी की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बिल्कुल एडजेसेंट हैं, और यहाँ से एक एक्सेस भी दी है सोसाइटी ने टूवर्ड्स आपका पार्क रोड और इस्लामाबाद क्लब। तो सोसाइटी जो है एक एक्सेस की बजाय 2-3 एक्सेस पे लाई कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे, एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि हर ब्लॉग की सेपरेट वीडियो बना के आपको बताया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।